हेलो नमस्कार दोस्तों, और बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए। जितने भी आप यूपीएसआई 9534 की तैयारी कर रहे हो, मैंने सुबह ही बताया था आपको परीक्षा के बारे में सब कुछ, और अब एक ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है। देखिए, ईश्वर साक्षी रहा है कि जब भी मैंने अब कुछ बताया है आपको पूरे मन से और बिल्कुल भी मतलब मन में कोई ऐसा भाव ना रख के बताया है सब कुछ जैसे कि आप मेरे अपने हो, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा भाव रख के बताया मैंने आपको, कभी कोई गलत न्यूज़ नहीं हुई। कभी कभार देखिए, हमेशा ऐसा तो है नहीं, हम भी इंसान हैं, इनपुट जो होते हैं कभी कभी गलत हो जाते हैं, पर हमेशा से मेरे इनपुट हमेशा यूपीएसआई को लेकर सही रहे। और आज आपका जो यूपीएसआई एग्ज़ाम है, पूरा प्रोसेस मैं फिर से बता रहा हूँ इस भर्ती का, ये भर्ती कंप्लीट होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, चैनलों कर देना है सब्सक्राइब अगर आपको यूपीएसआई से संबंधित वीडियो आगे भी देखनी है। कितना सेफ स्कोर रहेगा, कितना आपको करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आगे आने वाले समय में एक दो दिन में वीडियो आपको बना के दे दूंगा। कौन सी किताब, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाए, सब कुछ लगाए वो मैं आपको बताता रहूँगा, लगातार टच में रहूँगा। सबसे पहले देखो न्यूज़, देखो ये आज का है, ये आप देख सकते हो कि जेल वार्डर का जो आपका जो वो आपको देखो कोई सोच रहा हो पुरानी है ये, तो देखो जेल वार्डर आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन का परीक्षा परिणाम घोषित। ये कब हुआ है भाई? ये हुआ है आपका कल, ठीक है। तो ये आज सुबह की न्यूज़ है, और ये आप देखोगे जब इसमें नीचे तो यहाँ आपका लिख रहा होगा, ये देखिए कि अक्टूबर में होगी दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी व अग्निशमन अधिकारी द्वितीय केवल कुल 9534 पदों पर सीधी भर्ती 2020 के लिए 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। डीजी भर्ती बोर्ड आपके का कहना है कि अक्टूबर में दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा दिसंबर 2021 तक चयन परिणाम घोषित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पुलिस के कुल 13,800 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। मैंने सुबह आपको क्या बताया था, मैंने सुबह आपको यही बताया था कि भाई जो आपकी परीक्षा है, जो हमें इनपुट मिला है वो ये है कि 15 अक्टूबर से जो आपकी यूपीएसआई का एग्ज़ाम है वो चला दिए जाएंगे, और 10 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। 10 दिन एग्ज़ाम चलेगा, उसमें लोग हंसने लगे कि यार 12 लाख फॉर्म है, तुम कैसे 10 दिनों में एग्ज़ाम करा दोगे। तो भाई ईश्वर साक्षी है, जिस दिन पेपर होगा ना, जिस दिन आपकी एग्ज़ाम की डेट आएगी, आप याद रखोगे 10 दिन चलेगा आपका पूरा 10 दिन, 10 से एक दिन ना फालतू ना एक दिन कम। अब आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए कितने शिफ्ट होंगी, 20 शिफ्ट मिनिमम होंगी, 20 शिफ्ट, क्योंकि दिन में अगर दो शिफ्ट भी होंगी मेरे हिसाब से तो 3 शिफ्ट होंगी, ठीक है, पर मिनिमम 2 बता रहा हूँ मैं आपकी, 3 शिफ्ट भी हो सकती हैं दिन की, मतलब 30 शिफ्ट, पर 20 शिफ्ट तो आप मानो कि 10 दिन में 20 शिफ्ट तो आपकी पक्का होंगी। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन आपको कैसे मिलेगा वो मैं आगे बताऊंगा, टेस्ट सीरीज कौन सी लगाए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कितना सेफ स्कोर आपके लिए रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो करना शेयर। अब देखो ये भर्ती प्रक्रिया की, देखो सबसे बड़ी बात ये क्यों नहीं करा रहे, देखो अभी जो है स्क्रूटनिंग जो फॉर्म है, फॉर्म डले हैं अभी, इसका ये नहीं है कि किसके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, किसका क्या हुआ, अभी किसी का कुछ नहीं पता। जो फॉर्म की वो पहले जो रिजेक्ट लिस्ट आई थी ना, वो इन्होंने उसकी दी थी जो इन्होंने 1 अप्रैल से फॉर्म भरवाए थे, बाद में एक नोटिस आया था 3-4 दिन बाद कि 2 अप्रैल से डेट मांगी गई है। तो जिन्होंने 1 अप्रैल से भरा था भैया, वे उनकी जो रिजेक्शन लिस्ट थी वो आई थी। अभी इसकी स्क्रूटनिंग चलेगी 2 महीने। अब जो भर्ती बोर्ड ने आपके डॉक्यूमेंट मांगे थे कि भाई ये डॉक्यूमेंट दो वो डॉक्यूमेंट दो, उनके हिसाब से जो उनको फॉर्म लगेगा कि ये जेन्युइन है उसको अप्रूव करेंगे, जिसको लगेगा कि भाई तथ्यों की जानकारी कम है या फिर तथ्य गलत हैं उसका वो फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद में रिजेक्शन लिस्ट आएगी आपकी एक भर्ती बोर्ड की साइट पर कि भाई इन लड़कों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, और आप देखना हजारों की संख्या में, इस बार हजारों की संख्या में आपको फॉर्म रिजेक्ट देखने को मिले हैं, क्योंकि बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं। खैर छोड़िए उसकी बात, तो बाद की बात है। तो अभी स्क्रूटनिंग करने में कम से कम इनको 60 दिन मिनिमम चाहिए, ठीक है ना, कोई हलवा बात नहीं है, हलवा पेड़ी खा रहे हो। मतलब जुलाई अगस्त तो आपका पूरा स्क्रूटनिंग में जाएगा, और फिर 1 महीना इनको एग्ज़ाम की तैयारी में, भाई जितने फॉर्म, अब ये थोड़ी 12 लाख फॉर्म भरे हैं तो 12 लाख के 12 लाख सीट्स बनाएंगे, इसमें से कुछ फॉर्म भी रिजेक्ट होंगे, तो जितने ओरिजिनल फॉर्म बाद में बचेंगे उतनी ही सीट्स बनेंगी आपके कंप्यूटर की, ठीक है ना। कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है, एक कंप्यूटर एक बच्चे के लिए होता है, ठीक है, तो उन्हें हिसाब से सब कुछ काम करना है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में कोई संसाधनों की कोई ऐसी भरमार नहीं है कि हर घर में कंप्यूटर है या फिर हर स्कूल में हर कॉलेज में कंप्यूटर भरे पड़े हैं, तो इनको बड़े सहज तरीके से चलना पड़ेगा। उसके बाद में जो कह रहे हैं दिसंबर 2021 तक ये भर्ती कंप्लीट है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसके बाद देखिए जैसे आपका एग्ज़ाम आएगा ना, तो ये आपका हैंड टू हैंड जिस दिन आपकी शिफ्ट खत्म होगी उस दिन ही आपकी आंसर की दे देंगे। पिछली बार भी इन्होंने जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था 3-4 दिन के अंदर आंसर की दे दी थी, उसके बाद में ऑब्जेक्शन वगैरह चला था और 15वें दिन आपकी फाइनल आंसर की आ चुकी थी। पर इस बार ये जल्दी कर रहे हैं बहुत, मैंने सुबह भी बताया है, मैं फिर बता रहा हूँ कि भाई आंसर की हैंड टू हैंड मिलेगी आपको, उससे बाद में आपको ऑब्जेक्शन का टाइम मिलेगा, और 10 दिन के अंदर अंदर आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में टोटल ये जिस दिन आपका एग्ज़ाम खत्म होगा ना, 30 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ लेगा, और ये 30 दिन ना
इसी के बीच में है, जो आपका आंसर की का प्रोसेस चला ना, आंसर की और फाइनल आंसर की, ये भी इसी के बीच का प्रोसेस है। इसको आप 30 दिन में ऐड मत कर लेना, ये 10 दिन है, जो ये 10 दिन इसी के हैं ये, तो आप समझ रहे हो, मतलब आपका रिजल्ट एक महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। तुरंत के तुरंत आपको DVPST के लिए बुलाया जाएगा कि भैया आप DVPST के आ जाओ, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, सुबह को बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और भैया दौड़ो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 49,541,520 में हुआ था, उसमें तो कुछ लोगों को अगले दिन दौड़ाया था, पर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हैंड टू हैंड डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें और सीधा आपको कह दे दौड़ो भैया, हमें दौड़ के दिखाओ, या फिर आपको अगले दिन दौड़ा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, एक दिन बाद में भी दौड़ा लोगे, जिसकी तैयारी है वो उस दिन भी दौड़ लेगा, वो अगले दिन भी दौड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका तुरंत के तुरंत ये जो पूरा प्रोसेस है, उसके बाद में मैं बता रहा हूँ दिसंबर एंड तक ये इस भर्ती को कंप्लीट कर देंगे, और भाई 2022 जनवरी में इसकी वो है ज्वाइनिंग है। और तुम सोच रहे हो कि ये कैसे होगा इतने जल्दी, भाई सरकार पर इतना प्रेशर है क्योंकि अगले साल है इलेक्शन, समझ रहे हो ना, इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है, अब तक तो इन्होंने करा या नहीं करा, देखो वो आप सवाल कर सकते हो कि भाई 5 साल से नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आपने देखा होगा 6 महीने के अंदर जो आपका एग्ज़ाम करा कर पूरा का पूरा जेल वार्डर का प्रोसेस ख़त्म कर दिया उन्होंने, एग्ज़ाम के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, अक्टूबर के बाद आप देखना कैसे तीव्रता से काम होगा, और ये भर्ती इतिहास बनाएगी, योगी जी भी खुद कह चुके हैं कि ये भर्ती इतिहास बनाएगी। अब देखो मैं ना तो भाजपा को सपोर्ट कर रहा हूँ ना सपा को, भाजपा ने ही बच्चों का मूर्ख बनाया है 2017 से बोल ली है, और भैया सपा की 2016 वाली वैकेंसी फंसी हुई है क्योंकि उन्होंने नियमावली ऐसी अजीब सी बना दी थी, नियमावली तो सपा बना के गई थी, अखिलेश यादव जी बनाए गए थे, तो मैं तो योगी को भी गलत कह रहा हूँ भाई, अखिलेश यादव को भी गलत कह रहा हूँ, क्योंकि जो 2016 के बच्चे फंसे हुए हैं ना, जो नियमावली बनी थी वो तो अखिलेश सरकार में बनी थी ना, जो 2016 की वैकेंसी फंसी है वो इसी वजह से तो फंसी है कि भाई कहीं 50% का क्राइटेरिया, यार मजाक बात है 50% का क्राइटेरिया पूरा करना, अच्छे से अच्छे धुरंधर रह जाएंगे 50% का क्राइटेरिया रख दिया। तो मैं कह रहा हूँ ये भर्ती, अब चाहे कोई आप तुम कह रहे हो कि हाई कोर्ट जाएंगे बच्चे, ये जाएंगे वो जाएंगे, भाई कुछ भी कर लेना इस सरकार के आगे, देखो मैं और सरकारों की तो बात नहीं कर रहा, इस सरकार के आगे भाई कुछ नहीं होगा, अगर हद से अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग गया ना, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सरकार पर नहीं लगने का, एक अधिकारी पर लगेगा भर्ती बोर्ड के, वो भी थोड़ा बहुत फाइन लग जाएगा अगर इन्होंने कोर्ट की बात ना मानी, समझ रहे हो, अब इशारों में समझ जाओ, अपना ज्ञान मत पेलो, जो मैं कह रहा हूँ मान लो भाई, आपकी आगे इच्छा है, देखो ईश्वर की कृपा से आज तक जो बात बताई है हमेशा सही निकली है, कभी कभी इनपुट गलत लेकर जाते हैं, पर मैं कभी भी अपने चैनल पर बिना अच्छी, जब तक मैं उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर देता तब तक मैं उस वीडियो को डालता ही नहीं चैनल पर, और आप देख भी रहे होंगे कि मेरी वीडियो 20-20 दिन बाद भी आ रही है, लोग पैसा कमाने के लिए डेली वीडियो डालते हैं, पर मैं 20-20 दिन बाद, एक एक महीने बाद भी वीडियो डाल रहा हूँ, एक क्योंकि जब तक कोई सटीक इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक मैं वीडियो नहीं डालता, आप समझदार हो वरना कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा हूँ भाई, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, अब भैया ईश्वर आपका मालिक है, आपकी मर्जी है, आप यकीन करो या ना करो, भैया इससे ज़्यादा तो प्रूफ कोई दे ही नहीं सकता, इस ब्रह्मांड में आपको सिद्ध, मतलब कहते हैं ना भगवान शिव भी आपके सामने खड़े हो गए ना, तब भी आपको इतना बड़ा प्रूफ तो कोई दे नहीं सकता भाई, मैं सीधी सी कह रहा हूँ, अब भी ये गलत लिख जाए तो मैं कह नहीं सकता, अब तो भर्ती बोर्ड का बयान भी दुआ दिया, ये हमें कई दिन की पता थी, और सुबह में मैंने आपको वीडियो में बताया था, अब तो मैंने आपको विद प्रूफ भी दिखा दिया, उनका बयान भी दिखा दिया, अब आपकी मर्जी है आप तैयारी करो या ना करो। आगे देखिए मैं वीडियो प्लानिंग कर रहा हूँ, सबसे पहले कि सेफ स्कोर कितना रहेगा वो मैं अपने चैनल पर लाऊंगा, और ठीक है कौन सी टेस्ट सीट लगाएं, कितना स्कोर करना है, कैसे कैसे आगे आपको तैयारी करनी है, पूरी मैं स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति मैं आपके सामने ले आऊँगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और आज आपको इतना प्यार दिखाना है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।